समुद्री दुनिया के बारे में हम इंसानों की जानकारी अभी तक है उससे कई गुना ज्यादा मिस्ट्री समुद्र के अंदर दफन हुआ है। क्रैकन समुद्री दुनिया के ऐसे ही मिस्ट्रीज बना हुआ है। एक्सटेंस को लेके आज भी काफी सारा मिस्ट्रीज बना हुआ है। आज के वीडियो में हम इसी क्रैकन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में क्रैकन अगर वाकई में एक्सिस्टिंग होता तो आज के हमारे दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ता, क्या क्रैकन के मौजूदगी में भी हम इसी तरह चैन की सांस ले सकते थे। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या होगा क्रैकन आज भी हमारे दुनिया में एक्सिस्टिंग होता। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले ताकि हमारे सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रैकन के बारे में। क्रैकन को समुद्री दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और विशालकाय दानव के रूप में जाना जाता है। वैसे तो ये ऑक्टोपस का ही वंशज माना जाता है, लेकिन ऑक्टोपस की तुलना में ये कई गुना ज्यादा बड़ा और डेंजरस हुआ करता था। आपने सारी हॉलीवुड मूवीज में भी क्रैकन के भयानक रूप को देखा होगा। तो इसे नॉर्वे द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस 20,000 अंडर द लीकी में क्रैकन के बारे में काफी सारा कुछ लिखा गया है। इस बुक में क्रैकन को कई सारी भोजाओं वाला समुद्री मास्टर खतरनाक बताया है, जो कि समुद्र के भीतर आज से लाखों साल पहले पाया जाता था। भले ही क्रैकन के बारे में काफी सारा लिखा और दिखाया जा चुका है, लेकिन फिर भी लोग इस क्रैकन को कहानियों का हिस्सा मानते आ रहा है। इसके एग्जिस्टिंग को लेकर आज भी काफी सारा रहस्य का स्थिति बना हुआ है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज तक क्रैकन के बॉडी का कोई अवशेष नहीं मिला है। इस पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर क्रैकन समुद्र के भीतर रहा भी करते थे तो भी उनकी बॉडी का अवशेष अभी तक नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनके बॉडी पे बॉन्स होते ही नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे लोगों ने क्रैकन को देखने का दावा पेश किया है। ऐसा दावा पहली बार साल 1800 में समुद्र के किनारे पे रहने वाला कुछ मछुआरे द्वारा पेश किए गए। उसके बाद सन 1802 में न्यूजीलैंड के समुद्र किनारे पर क्रैकन के मिलने की खबर सामने आई है। इस क्रैकन के लंबाई तकरीबन 17 मीटर बताई गई थी। सबसे ताजा मामला सन 1970 में अमेरिका के जहाज का नीचे का पार्ट पर क्रैकन द्वारा अटैक करने की बात सामने आई थी। हालांकि जब जहाज पर अटैक हुआ तब उसमें बैठे लोगों की इसके बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन बाद में जब मरीन का रूटीन चेक किया गया तब इस पर क्रैकन द्वारा अटैक करने की बात सामने आई। कुल मिलाकर क्रैकन के प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करने का कोई भी ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है और न इसे कभी समुद्र के भीतर देखा गया है। सच में ये सोचने वाला बात है कि क्रैकन जैसा समुद्री मॉन्स्टर अगर आज भी अस्तित्व में होता तो शायद इस तरह के कहानी सुनाने वाले लोग मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि क्रैकन के बारे में बताया गया है कि पानी के भीतर चलने वाले बड़े बड़े पानी के जहाज को भी तहस नहस कर देता। ऐसे में क्रैकन के मौजूदगी में भी समुद्र के भीतर जाना पॉसिबल ही नहीं होता। मेरा मतलब पॉसिबल होता, लेकिन वहाँ से लौट कर आना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये जानवर बहुत साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। आज के समय पे ये अगर होता तो हम समुद्र के जानकारी से काफी कुछ अनजान होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।